हटके थी स्टोरी थोड़ी, विमेंस के बारे में थी, तो बाकी मूवीज से हटके थी स्टोरी। कितने स्टार देंगे आप? 4 आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4.5 प्लस 4.75 3.5 इट वाज नाइस, इट वाज बोल्ड, काफी बोल्डली पोर्ट्रे किया था सब लाइक जो थे एक्टर्स उनको। आई डोंट थिंक इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट वुमेन स्ट्रगलिंग फ्रॉम विद इन द बुर्का टू फाइंड दिस लिटिल कॉर्नर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड टू फाइंड लिटिल ways of realizing their dreams. It's about that. Movie was good but it was a bit boring, I think. Okay, किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? उनका नाम एक्ट अच्छी लगी और हमको लगता है हर किसी को देखना चाहिए क्योंकि हम जिस माइंड सेट के साथ हैं पेट्रियार्क की माइंड सेट में उसमें इस तरह का फिल्म का वेलकम होना जरूरी है। द कंसेप्ट वॉज वेरी नाइस, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, प्रकाश झा ने डेफिनेटली अच्छा से बैठ लिया, अलंकृता श्रीवास्तव वॉज वेरी फेबुलस, एक्टर्स बहुत अच्छे थे। तो इट्स अबाउट अवेकनिंग ऑफ वुमेन, नॉट ओनली एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बट अवेकनिंग आल्सो था। स्टोरी तो बहुत अच्छी है, इट्स कनेक्टिंग कनेक्टिंग टू इंडियन वुमेन, ये जितनी भी है इंडियन वुमेन से कनेक्ट करती है, तो यही सीखना है कि अंडर द रूफ क्या चल रहा है लेडीज के दिमाग में। बंद मुट्ठी के जो ख्वाब होते हैं जो हम लोग देखते हैं, वो एक लड़की जो खोल दो ना तो उड़ जाती है, ये वो टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो सब लोग जाके देखें, आई विल सजेस्ट दैट इट्स अ मस्ट वॉच फॉर मूवी फॉर एवरी गर्ल एंड गाय। थोड़ी अलग टाइप की मूवी है, मैसेज भी अच्छा था, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल है बट ओके लगता है आपको लोग